बड़ी खबर है सीधी से, जहां सीधी मां सड़क लहाश उगल रही है। हम या ऐसे कह रहे हैं कि आए दिन सड़क हादसा मां लोगन के जान जाए रही है, छोट छोट लड़का अनाथ हो रहे हैं, किंतु न सीधी के जिला प्रशासन का फर्क पड़ता है, न पुलिस प्रशासन का फर्क पड़ा है, न जनप्रतिनिधि का फर्क पड़ा है। ये गहरी नींद में सो रहे हैं, कहे कि आज सीधी से मरवास जाए वाली सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा भा, जहां रेत से लदे ट्रक के द्वारा एक बाइक सवार का कुचल दीनगा, जहां मौके पर 30 वर्षीय युवक संतोष साकेत जे पड़खुरी के निवासी है ही ऑन द स्पॉट मौत हो गए। हालांकि परिजनन के द्वारा आबे तक वह सड़क में चक्का जाम लगाए बाद जा चुका है, और साथ में उनकर मांग है कि वह व्यक्ति के जेकर उम्र 30 साल है, संतोष साकेत नाम है, उनके 3 थे बिटिया हैं और मेहरिया आबे पेटे से ही वो सब अनाथ हो गए, तो का सरकार उनकर कुछ इंतजाम करी, व्यवस्था करी, क्षतिपूर्ति दे। हालांकि उठे पुलिस पहुंच के तितिर बितिर करे के प्रयास करन लागी, और पुलिस जबरन लहास छोड़ाई के पीएम करावे के प्रयास कर रही है, और ना कौनो में के क्षतिपूर्ति दे के बात कह रही है। हालांकि परिजनन के मांग ही की तत्काल कलेक्टर आ में और पूरे मामला में सहायता राशि जारी करें, और मृतक के परिजन का कुछ सहायता दी जाए, और उनके जीवन के कुछ सहारा के व्यवस्था की जाए। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल माम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे, और शुरुआत करी थी यह बेहद दुखद खबर के, जहां अपना बचक बता दी सीधी माल लगातार सड़क जो है लहास उगलती ला गई। कहे कि यह बात ऐसे हम कहे में ऐसे विवश हैं कि आए दिन सड़कन मां हादसा हो थे, बीते एक डेढ़ महीना के यदि अपना जो है रिकॉर्ड खंगाल ली तो ओमा कम से कम नहीं तो 7 से 8 लोगन के मौत सड़क हादसा में हो चुकी है। हालात यह है कि आज जो है दोपहर 2 बजे के करीब सीधी से मड़वास रोड मां यह सड़क हादसा भा है, जहां सीधी से पड़खुरी की ओर जा रहे मोटरसाइकिल चालक जो है संतोष साकेत जे 30 साल की उम्र है, वो जो है अपने घरे जा रहे हैं पड़खुरी, वह दौरान मड़वास के ओर से एक ट्रक जो है आवर रहा, बॉडी ट्रक जो रेत से लदा रहा, वह सीधे ठोकर मार देते हैं, बिल्कुल बाइक सवार का बिल्कुल कहा जाए कि चपेट में ले लेते हैं, और ऑन द स्पॉट मौके पर वह शख्स जेकर उम्र 30 साल संतोष साकेत नाम है, उनका दर्दनाक देहांत हो जाते हैं। परिजनन का पता चला था, परिजन मौकाए वारदात में पहुंचे हैं, उनके द्वारा चीख पुकार कीन जाल लागी, और सबसे बड़ी बात कि वह शख्स जो संतोष साकेत है वह खुद घर के जिम्मेदार रहा, उनके जो है 3 थे बिटिया हैं और जो मेहरिया हैं उनकर अबे पेट से हैं, तो सोची आखिर अब उनकर या परिवार पूरी तरह से अनाथ हो गया, अब को दिखैया है को सुनैया है। हालांकि पुलिस पहुंच गई ही मौके में, 1 घंटा हो गया कौनो अभी जिम्मेदार ऐसा नहीं पहुंचे ही जो कहो न कहो पीड़ित परिजनन का राहत के बात कह सके। हमारे साथ चल रही तस्वीर भली भात तौर से देखत हो, जहां पीड़ित पूरी तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, किंतु जिम्मेदार गहरी नींद में सो रहे हैं। सीधी से मड़वास सड़क पर आए दिन सड़क हादसा होते, कहे कि अमूमन वह सड़क जो है ज्यादा चले वाली है, जोने में भारी वाहन भारी मात्रा में चलते, कहे कि ओमा रेत के जो है वह सड़क में आगे यदि देखा जाए तो मड़वास अंचल में और टिकरी में कई अठे रेत खदान ही, जहां बड़ी गाड़ी ट्रक हो या फिर अन्य गाड़ी जो है रफ्तार से नंबर के चक्कर मां की एक गाड़ी जो है 2 चक्कर मार ले, 3 चक्कर रेत के मार ले, ऐसे काफ़ी रफ्तार में चलती हैं। और अपना को बताया दी वह लाइन मां एक पावर प्लांट है जो निगरी मां है, जहां से फ्लाई एस की तिर बल्कर वगैरह चले थे, जहां आए दिन इस सड़क हादसा का कारित करा थे। सीधे तौर पर समझे लाइक बात यह ही कि वह सड़क मां खुलेआम यमराज दौड़ा थे, और सीधी के जो ट्रैफिक पुलिस है और सीधी के पुलिस प्रशासन है गहरी नींद में सोवर रहा था, उनका फर्क नहीं पड़ा को मरे चाहे जिए, कहे कि जो में हादसा भा है हादसा की तस्वीर देख के अपना के रूह कांप गई, कहे कि एक परिवार पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है, बर्बाद हो गया है, किंतु देखैया को नहीं आए। 1 घंटा बीते बादो अभी तक कोनो जिम्मेदार नहीं पहुंचे ही, और सीधे तौर पर समझी कि लोग केवल और केवल तमाशा देख रहे हैं, कहे कि MP संदेश न्यूज 24 बे या आवाज उठावत है
कि सड़क हादसा में कैसा कमी ले आई जाए, शासन प्रशासन का एकर इंतजाम करे चाहिए, किंतु खुलेआम लोगन के मरघटी बनाए दे लगा ये सीधी के जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग के द्वारा। हालांकि जनप्रतिनिधि का एक एक खेत गंभीर हो जाए चाहिए और उनका कम से कम सड़क के चौड़ीकरण, सड़क के साइन बोर्ड, डिवाइडर और कई गति अवरोधकन के अब प्रयोग करवाओ शुरू कर दे चाहिए। नहीं तो आगामी दिनन में ऐसे होनहार युवक, ऐसे व्यक्ति जो कहो न कहो जिम्मेदार हैं अपने घरे परिवार समाज मिड़ौर के, उन ऐसे बेमौत मारे जा रहे हैं। और यदि इनका यह में जो है यह पसंद है, कहा हम सवाल यह पूछे थे कि कहा इनका यह सब अच्छा लागत है कि लोग अनाथ हो रहे हैं, लोग टूट रहे हैं, लोग बिखर रहे हैं, कहे कि सीधे तौर पर देखी यह सड़क हादसा यह बात के द्योतक आए कि यह रोड में आए दिन सड़क हादसा होते, लोगन के बहुमूल्य जिंदगी जाती, किंतु शासन प्रशासक और ये नेता मंत्री इनके लगे कौनो व्यवस्था नहीं आए, कौनो इंतजाम नहीं आए कि सड़क हादसा का रोका जा सके, इन लोगन के मौत का जो मारे जा रहे हैं इनका बचावा जा सके। तो यह तस्वीर दिख रहे हैं जो बेहद कहा जाए कि अपना का विचलित कह सका थी, किंतु देखाऊ भमा मजबूरी आए, कहे कि यह सीधी जिला के सड़क जो लहास उगल रही है या हमारे जिला के लोगन का होनहार लोगन का हमसे छीन रही है, तो तत्काल रूप से ही परिवार का कुछ ना कुछ एक बेहतर सहायता राशि, क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। हालांकि वह व्यक्ति के मौत के बाद वह परिवार के रिक्तता का नहीं भर सके, किंतु कम से कम उनका आगामी जिंदगी, कहे कि जिंदगी बहुत बड़ी है, सोची 30 साल के वह व्यक्ति की उम्र रही, मतलब 27-28 साल के उनकर धर्म पत्नी हो ही, छोट छोट लड़का बच्चा है, उन्हों के जीवन के आगे बेहद बड़ा संकट है, तो उन्हों का बेहतर इंतजाम करके दे। और सबसे बड़ी बात चिंता यह बात के करें या हादसा से यह सीख लें कि ये मां क्या प्रयास किए जाए कि सड़क हादसन का कम की जा सके। अब अंतिम मां अपना समय से एक अनुरोध हम करे चाहिए थे कि सड़कन में रफ्तार उतनी रखी जेका नियंत्रित कर सकी, नहीं तो सड़क हादसा केहू के खीतर जो है बेहतर नहीं हो। यह हादसा में यदि कोई बचू जात है तो ताउम्र वह ओकर दंश झेलत है, तो ऐसे हम बेबे हाथ जोड़ के निवेदन करी थे कि सड़क में रफ्तार उतनी रखी जेका नियंत्रित की जा सके। शहर के अंदर यदि कम रफ्तार में हैं तो सीट बेल्ट हेलमेट यदि नहीं लगाए तो चली चल जाए, किंतु सबसे बड़ी बात यदि लॉन्ग ड्राइव में हैं तब फोर व्हीलर में सीट बेल्ट लगाई, मोटरसाइकिल में हेलमेट लगाई, और यदि कोनो बड़े वाहन में चल रहे हैं तो रफ्तार उतनी रखी जेका नियंत्रित कर सकी। अपना अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।